तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ और हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए। मिलाते हैं आप लोगों को आगे। वापस से एक नए व्लॉग में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ और आज अपने घर से, अपने गाँव से ही व्लॉग शूट किया हूँ और मोबाइल और ट्राईपोड देख कर लोग मुझे देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे स्टेशन से जा रहा शारिब थलवारा रेलवे स्टेशन से और आगे हायाघाट से मोहम्मद इश्तियाक भाई, जो हम लोग एक ज़माने में एक टाइम में एक साथ पढ़ा करते थे कानपुर के अंदर। मेरा दोस्त शारिब जा रहा थलवारा से और आगे से इश्तियाक। पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं आज एक साथ। काफ़ी गर्मी लग रहा है यार, तो मिलते हैं आगे, इश्तियाक से मिलाते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद बताएँगे। हम लोगों का हो चुका है टिकट और अब यहाँ से चलते हैं। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है, उसके बाद यहाँ से चलेंगे समस्तीपुर, इसका स्टॉपेज है, वहाँ से फिर हम लोगों की गाड़ी है। लेट रहा तो ठीक है, वरना बैड लक आज का यहीं से शुरू हो रहा है। देखते हैं क्या रहता है। और हमारे इंस्टा के यहाँ पे स्टार लोग रील्स बना रहे हैं, अब बन गया रील्स, तो ये लोग रील्स बनाते हैं और हम व्लॉग बनाते हैं, डिफरेंस बस इतना सा है। और आगे इश्तियाक है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई, काफ़ी दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। शारिफ भी है, शारिफ पुरानी यादें ताज़े हो रही हैं बिल्कुल धमाके में। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट, इश्तियाक से मिलाते हैं आगे। तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुलेगी थलवारा से, देख सकते हो आप लोग पीछे आ रही है। अपनी गाड़ी यहाँ से चल रही है भाई, आप देख सकते हो थलवारा से हम लोग निकल रहे हैं और आगे इश्तियाक से मिलते हैं, आप लोगों को मिलाते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल सनसेट। फाइनली इश्तियाक मिल गया हम लोगों को, ये आ रहा है सामने, देखो आप लोग, इश्तियाक और इश्तियाक के जीजा जी। फाइनली अपना डेस्टिनेशन आ चुका है भाई, देखो सब तैयार हो गया है, सब तैयार हो गया है, ये गाड़ी आगे की जाएगी, इसीलिए यहाँ पे भीड़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। उतरते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। अभी हम लोगों की गाड़ी है लेट, तो हम लोग आए थे क्या लेने आए थे, अंगूर लेने के लिए आए थे और मार्केट में काफ़ी महंगा है प्राइस जो अंगूर का, काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इश्तियाक भाई ले जा रहे हैं हम लोगों को पानी पूरी खिलाने के लिए भाई, और गाड़ी अभी है भाई, टाइम है, देखते हैं यहाँ पे पानी पूरी वाले भैया मिल गए हैं। तो बात कुछ ऐसी थी, गए थे हम लोग अंगूर लाने के लिए और वहाँ पे हुआ क्या, अंगूर तो मिला नहीं, पानी पूरी मिला, तो वहाँ पे हम लोग पानी पूरी खा लिए। और आज जो है चांद भी जा रहा है आज गंगा सागर से कोलकाता, तो हम लोग चांद से थोड़ा मिल लेते हैं और उसका कुछ सामान है मेरे पास, हम लोगों के पास, तो उसका सामान भी देना है। गंगा सागर आ रही है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, देखते हैं कहाँ है भाई। फाइनली गाड़ी आ चुकी है, चलते हैं चांद के पास में, देखते हैं कहाँ है। S4 में 47 नंबर है उसका बर्थ नंबर, देख लेते हैं। कितना नंबर सीट है? ये देखो चांद भी जा रहा है आज के डेट में भाई। इसको चाहिए था टिश्यू पेपर मेरे पास में था। हैप्पी जर्नी। यहाँ पे चल रहा है लस्सी का पावर, देख लो भाई, साला कैमरा को भी नहीं देख रहा है। इधर यात्रा अलग अलग है भाई, डेस्टिनेशन हम लोगों का अलग अलग है। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ और चांद जा रहा है कोलकाता हावड़ा।
और आज जो है काफी दिन के बाद हम लोगों को पार्टी लगा है। और कानपुर लखनऊ वाले सब के सब ये एक ही जगह मौजूद है। ये सब कानपुर लखनऊ से होकर आया इस बार जा रहा ठप्पा लगाने के लिए। चांद जा रहा है इस बार नाम हो जाए सियालदा। हम लोगों की गाड़ी एक घंटा और समय है हम लोगों की गाड़ी में। शारिफ का तो भाई बचपना याद आ रहा था ना, अब छोड़िए नहीं रहा। यहाँ नहीं, यहाँ फेंकना है भाई ध्यान से। तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है और हम लोगों का बर्थ भी मिल गया आसानी के साथ। और कुछ भीड़ भी नहीं है भाई, कोई क्राउड नहीं है। चलो दिखाते हैं कहाँ पे हम लोगों का सीट है। फाइनली समस्तीपुर से गाड़ी चल चुकी है, हम लोगों का डेस्टिनेशन खत्म हो रहा भाई। बाय बाय SPJ। तो अब यहाँ से होगा खाना स्टार्ट, यहाँ से खाना खा लेंगे फिर सो जाएंगे आराम से। क्या सब ले, काफ़ी मस्त वाला सब्जी लेकर आया इश्तियाक काफ़ी दिन के बाद ट्रेवल में एक साथ, वो भी शारिफ इश्तियाक और कैमरा मैन। तो यहाँ खाना फिनिश करते हैं, ये लास्ट मेरा जो है लास्ट वीडियो होगा यहाँ पे। फिर हम लोग सुबह में मिलेंगे डायरेक्ट मॉर्निंग में आप लोगों से, दिखाते हैं लखनऊ और लखनऊ का सैर करवाएंगे आप लोगों को। और आप इधर देख सकते हो भैया लोग पूरा खाने पे जोर दिया हुआ है। फिनिश करते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से। हम लोगों का खाना पीना हो चुका है भाई लोग, अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सुबह बारात था, रात में भी हम लोग नहीं सोए थे। और अब खाना खा लिए तो जल्दी सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं क्या सब रहता है। चलते हैं, गुड नाइट। मुजफ्फरपुर का कुछ ऐसा सीन रात का भाई लोग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी टाइम हो रहा है 4:40, 4:40 हो रहा है। और अभी आप देख सकते हो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, इतना सुबह पहली बार उठा हूँ। मुझे लग रहा है, आई थिंक मुझे याद भी नहीं मैं इससे पहले कितने बजे उठा था। सबसे पहले आप लोग मॉर्निंग चेक करो भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। आज मुझे अच्छा लग रहा है इतना सुबह सुबह उठ के, मेरी गाड़ी खुल चुकी है तो सॉरी। चलते हैं इस तरफ से, दिखाते हैं आप लोगों को भाई। इस तरफ से देखो 4:40 हो रहा है, 4:40 बताया मैं। और आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। और कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है भाई। गोरखपुर से अभी हम लोग आगे बढ़े, मेरा एक बैग सीन टूट गया, वो भी ब्लॉगिंग करने के लिए। अब जब कैमरे की आदत हो जाती है तो ब्लॉगिंग करना मतलब भाई कॉमन है, करना ही पड़ता है। और मेरा कुछ हुलिया अभी सुबह सुबह का ऐसा बना हुआ है। हमारे दोस्त तो सो रहे हैं, ये दो लोग, आज हम लोग तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इश्तियाक, मैं, शारिफ। मैं पीछे भी बताया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ यार, काफ़ी गंदा लग रहा है लेकिन हेयर स्टाइल तो वाह क्या लग रहा है, खतरनाक वाला बेकार। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा फेस से पानी मारेंगे और थोड़ा सा बोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको फाइनली फेस पे पानी मार लिया हूँ। कुछ हद तक तो ठीक हो गया। अब चलो मॉर्निंग दिखाते हैं आप लोगों को, सुबह सुबह का मॉर्निंग कैसा होता है, और मैं भी देख लेता हूँ आप लोगों के चक्कर में बस। चलो अब मॉर्निंग देखो आप लोग, सुबह हो जाओ जो फीलिंग हम ले रहे हैं, आई मीन जो रियल वाला फीलिंग ले रहे हैं, वो फीलिंग कैमरे में नहीं आ सकता मेरे भाई, माफ़ करना आप लोग। मस्त लग रहा है, पहली बार मॉर्निंग में उठा हूँ, कितनी बार रिपीट करूँ, पहली बार मॉर्निंग में उठा हूँ मैं, समझ सकते हो आप। चलो आगे दिखाते हैं आप। ये देखो शारिफ सो रहा है ऊपर, इश्तियाक। अबे सुबह हो गया, अबे उठ जा।
शारिफ सुबह हो गया, उठ जा बेटा उठ जा, सुबह भी देख ले मॉर्निंग कब होता है। इश्तियाक भाई ये लोग उठने वाले में से नहीं है, देखो अभी उठा है फिर नहीं उठता है, देखते आज कितने बजे उठता है। पता नहीं मैं कैसे उठ गया, पता है मैं ऐसे उठ गया, मुझे काफ़ी मच्छर काट रहा था गोरखपुर में, जब गाड़ी रुकी तो भाई काफ़ी मच्छर लग रहा था, तो मेरी नींद एकदम से टूट गई। जब नींद खुल गई है तो फिर चांस बना, तो मैं सोचा चलो वीडियो ही बना लेता हूँ सबसे अच्छा, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मॉर्निंग जब हुआ तो कपल्स लोग हैं इस गाड़ी में, इस कोच में, तो आप समझ सकते हो मैं ऐसा कुछ देखा कि मेरा तो आँख बंद ही नहीं हो रहा था। अभी गाड़ी आ गई तो थोड़ा साउंड कम हो गया, एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, शारिफ बोल रहा था वीडियो बना लेने के लिए, और देख सकते हो शारिफ, शारिफ पुरानी याद को ताज़ा कर रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। इश्तियाक भी लखनऊ पहुंच चुके हैं, और ये हम लोगों की गाड़ी ये रही, इसी से हम लोग उतरे, और हम लोग चल रहे हैं अब होटल पे जा रहे हैं। भैया होटल बुक करना है, आज होटल बुक नहीं किए हैं, ऑनलाइन से सोचा था बुक कर लेंगे, लेकिन इश्तियाक बोला ऑफलाइन में मिल जाता है अच्छा खासा कॉस्ट में होटल, तो चलते हैं होटल पर पहले, फिर आप लोगों से बात करते हैं। भाई काफ़ी सारी बातें करनी है अभी। ब्यूटीफुल प्लेस, सो नाइस। आप हमारे पीछे देख सकते हो लखनऊ स्टेशन है, और हम तीन लोग आए हैं बिहार से लखनऊ, काफ़ी दिन के बाद 5 ईयर्स के बाद आए। इश्तियाक तो 1 मंथ में 5 मरतबा आ चुका है भाई, 5 मरतबा आ गया 1 महीने में। और शारिफ कितने साल के बाद? 5 ईयर्स के बाद आया है, और आप लखनऊ देख रहे हो अभी। भैया बात ऐसी है, हम लोग घूम रहे हैं होटल के लिए, लेकिन होटल में इंटरनेट नहीं मिल रहा भाई, और आपको पता है कि हम लोगों को इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते हैं, वीडियो एडिट करना होता है और फिर वीडियो को पोस्ट करना होता है, तो इंटरनेट वाला हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे फ्री वाईफाई हो अनलिमिटेड, देखते हैं कहाँ मिलता है। 3-4 जगह ट्राई किए, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि वाईफाई बड़े होटल में मिलेगा भैया, तो हम बड़े होटल ही पे गए थे, लेकिन और कितना बड़ा होना चाहिए मुझे नहीं पता है जी। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि वाईफाई वाला मिल जाए, तो आज वीडियो भी आ जाएगा आप लोगों के पास मीटिंग, और ट्राई करते हैं भैया। तो एक रूम ये है, देखते हैं यहाँ क्या है भैया, यहाँ पता करते हैं, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, और मेरे चक्कर में इश्तियाक भी परेशान है, सारे भी परेशान है, इंटरनेट वाला रूम जो ढूँढ रहे हैं इसके लिए। तो अभी इधर चल रहा है रूम का बात, भाई रूम दिखाने की बात हो रही है, अच्छा खासा कॉस्ट है। अब रूम देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा रूम टूर भी करवाएंगे और होटल का भी टूर करवाते हैं आप लोगों को। पीछे देख सकते हो काउंटर है, काउंटर पे भैया सब बैठे हुए हैं, और हम लोग जा रहे हैं नीचे एंट्री करवाने के लिए। भैया सब लोगों का आधार कार्ड मांगा है, चलो देख सकते हो ऐसा ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। नॉन एसी वाला ठीक है, अभी पूरी बात करते हैं, पहले एंट्री करवा के आते हैं नीचे से, फिर बताते हैं आप लोगों को सारी बातें। तो फाइनली हम लोग चेक इन कर चुके हैं, और अब यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।